हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी में हम डोनट बनाएंगे और ये डोनट हम बिल्कुल बेकरी जैसे बनाएंगे, जैसे बेकरी के शॉप पर मिलती है। तो इसे आप बहुत ही इजीली घर पर बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे चॉकलेट से डेकोरेट करें या ना करें, आप वैसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बिना चॉकलेट के भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग डोनट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ली है, उसमें मैंने 1/3 कप मिल्क डाल दिया है। ये मिल्क गर्म है और उसमें 2 चम्मच चीनी का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ईस्ट डाला है। इंस्टेंट ईस्ट यूज करेंगे, ड्राई ईस्ट ना यूज करें। और इसे 5 मिनट हम साइड में रख देंगे। दूध एकदम गर्म होना चाहिए, गुनगुना भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं 1/2 कप मैदा यूज कर रही हूँ, उसे छान ले रही हूँ। और 6 चम्मच चीनी का पाउडर यूज कर रही हूँ। तो इन सबको मैं मिला दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी रेसिपी हमारी और अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं ईस्ट में पूरे बबल्स आ रखे हैं, ईस्ट हमारा एक्टिव हो चुका है। अब हम ये ईस्ट वाला दूध मैदे में डालकर मिक्स करेंगे। इतना दूध काफ़ी है हमें। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दूध और डाल दी है, 1 टेबल स्पून जैसा, जिससे हमारा ये डो है नरम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया है। आप देख सकते हैं मुझे इसमें लगभग 1/3 कप सूखा मैदा ऐड करना पड़ा। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बटर भी डाल दिया है। बटर डालना ज़रूरी है क्योंकि अगर बटर नहीं डालेंगे तो ये ऐसे ही स्टिकी बना रहेगा, पूरे हाथ में पूरे बर्तन में चिपकता रहेगा। और बटर डालने से ये काफ़ी सॉफ्ट बनता है हमारा डोनट, तो बटर ज़रूर डालें। और इसे हमें लगभग 5 मिनट तक अच्छे तरह से इसे मिलाना है और इसे एकदम नरम डो तैयार करना है, एकदम गीला नहीं। आप देख सकते हैं बहुत ही गीला है। तो इसमें मैं 1/3 कप सूखा मैदा डालूंगी। आप इसे परात में गूंथें तो ज़्यादा अच्छे से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप सूखा मैदा डाल के इसे लगभग तैयार कर लिया है, जैसा डो हमें चाहिए डोनट के लिए। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी और बटर हाथों में लगाकर, बर्तन में लगा के इसको मैं रखूँगी लगभग 1/2 घंटे के लिए, और गीले कपड़े से ढक के हमें रख देना है। 1/2 घंटे बाद ये फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब ये हमारा डो तैयार है डोनट का। तो इसे मैं एक बोर्ड पर ऑयल लगाकर इसे मैं बेल ले रही हूँ। आप चाहे तो बिना बेले ही इसे जैसे बालूशाही बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे बेलन से बेल दे रही हूँ और इसे मैं गिलास से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप डोनट कटर से कट कर लें। गिलास पर ऑयल या सूखा मैदा ज़रूर लगा दें ताकि ये आटा चिपके ना, डोनट आसानी से गिलास को छोड़ दें। तो ये अब मैं इसके बीच का होल बना रही हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी ढक्कन हो शीशी का या दवाई ववाई का, जिससे बच्चे दवाई ववाई पीते हैं, उस ढक्कन से भी आप इसे कट कर सकते हैं, या केचप उचप के बोतल का ढक्कन हो तो उससे भी कट कर सकते हैं। मैं तो नोजल से कट कर रही हूँ। तो इसे भी मैं 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ गीले कपड़े से ढककर, नहीं तो अगर गीले कपड़े से हम नहीं ढकेंगे तो डोनट ड्राई हो जाएंगे, जिससे डोनट अच्छे नहीं बनेंगे। और बाकी का भी हमें ऐसे ही बना लेना है। अगर आप ईस्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जो इनो आता है एसिडिटी के समय यूज करते होंगे, तो
आप उसे डालकर भी थोड़ी सी दूध में डालकर पूरा पैकेट इनो बना सकते हैं। डोनट आराम से बन जाएगा, इससे भी डोनट हमारा बहुत अच्छा बनता है। तो डोनट हमारा रेडी हो गया है। ऑयल मैंने गरम कर दिया है, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, मीडियम गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, नहीं तो डोनट ज़्यादा जल्दी से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे डोनट कितने अच्छे से फूले हैं। हमने बस रोटी से थोड़ी सी मोटी बेली थी, और लेकिन ऑयल में डालने के बाद से हमारे डोनट कितने ज़्यादा फूल रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। और ये बहुत ही हल्के हैं और बहुत ही स्पंजी हैं, एकदम ब्रेड जैसे सॉफ्ट हैं। आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही करके हमें सारे डोनट तल लेने हैं। ये दो डोनट मैंने हाथ से बनाए हैं बिना बेले ही, तो आप चाहे तो बिना बेले भी इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना चॉकलेट लगाए ही, ये वैसे ही अच्छा लगता है। तो अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये डोनट रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। तो ये हमारे सारे डोनट बनके तैयार हो गए हैं, मैंने तोड़ के भी दिखाया, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पंजी बने हैं। और इसे मैंने चॉकलेट से डेकोरेट कर रहे हैं, ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, और इसे मैंने वो मेल्ट कर दिया है डबल बॉयलर पे रख कर, हमें इसे मेल्ट करना होता है। तो इसे हमने मेल्ट करने के बाद इसमें चॉकलेट लगा दिया है। अगर आपके पास ये डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप मिल्क चॉकलेट ले लें और उसमें थोड़ी सी हर्षी सिरप मिला के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ये रेनबो बॉल डाल दे रही हूँ, और ये सिल्वर बॉल है, सिल्वर शुगर बॉल। आप इन सब चीज़ों को फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर से ऑनलाइन शॉपिंग करके परचेज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ईजली मिल जाती हैं। मार्केट में इधर उधर कई दुकानों पर ढूंढने पर मिलता है, लेकिन वहाँ पे आराम से आप मिल सकता है। और ये मैंने डाल दिया है डिस्क्रेटेड कोकोनट। तो आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं इसे वाइट चॉकलेट लगा रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो आप इसे डिप करके अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा चॉकलेट वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए थोड़ी सी चॉकलेट मैंने मेल्ट की है। इसको ग्लास के ऊपर इंडक्शन में पानी रख कर और उसके ऊपर मैंने इसे बॉल में रख कर मेल्ट किए हैं, तो इससे हमारी चॉकलेट ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगी। तो इस सारे पे मैंने लगा दिया है, इन पर भी मैंने सिल्वर बॉल और रेनबो बॉल लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे चॉकलेट को पीलर से छील कर छोटे छोटे पीसेज करके इसके ऊपर से छिड़क सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ चोको चिप्स। ये सारी चीज़ें आप फ्लिपकार्ट से ईजली परचेज कर सकते हैं, 100-150 रुपए में आपको ये सारे सामान मिल जाएंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है, इसे हम फ्रिज में रख दे रहे हैं, नहीं तो ये चॉकलेट हाथ में चिपकने लगेगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये डोनट बनके तैयार हो गया है।
तो अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे आप अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। ईस्ट नहीं है तो इनो डाल के यूज करिएगा। आपका डोनट बिल्कुल अच्छा बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।